खोपरा क्रश करना हो तो ये जो है इजी से ये कर लेगा। आप देख रहे हैं कि हम जो है रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती है तो कैसे इनकी जो है ना कंडीशन हो जाती है, कैसे शाइनिंग मार रहा है ये देखिए। जो है अपना गन निकाल लिया, पहले वाली का रिजल्ट और अभी वाली का रिजल्ट देखें कितना। रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सपोर्ट करने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया, और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए भी आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आप लोग कमेंट करते हैं तो प्लीज़ अपना नाम भी ज़रूर बता दिया करें ताकि मैं वीडियो में जो है आप लोग का शुक्रिया अदा कर सकूँ। मशीन तो हम साफ़ कर लेते हैं, इसको क्लियर भी कर लेते हैं। तो इसको शार्प कैसे करते हैं, तेज़ कैसे करते हैं ये आज मैं दिखाऊंगी और बिल्कुल क्लियर ही आपको समझाऊंगी कि कैसे जो है इसको तेज़ करते हैं और इसको साफ़ कैसे करते हैं। तो कंडीशन आप देख रहे हैं कि हम जो है रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती है तो कैसे इनकी जो है ना कंडीशन हो जाती है, ये देखें इस तरीके से इनकी कंडीशन हो जाती है। रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं तो ऐसा हो ही जाता है। तो इनको हम क्लियर करेंगे और इसका कलर देखें बिल्कुल ही एकदम से पीला पड़ा हुआ है, तो इसको शीशे की तरह जो है ना हम चमकाने वाले हैं। तो इसको हम क्लियर करेंगे और इसको तेज़ कैसे करेंगे, तो हमेशा हम जो है इसमें सूखी चीज़ें जो है ना हम गरम मसाला चीनी वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इनमें ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखें ये जो है ना बिल्कुल ही ढीला पड़ जाता है, ये तेज़ नहीं रहती। तो इसको हम कैसे शार्प करेंगे, कैसे तेज़ करेंगे ये है, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि कैसे आप लोग खुद घर में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इसको तेज़ करना, तो आप लोग समझते होंगे कि इसको नामुमकिन ही है तेज़ करना। तो मैं सिखाऊंगी कि इसको कैसे आप तेज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल इस चीज़ को होता है कि हमारा इस्तेमाल में भी ये बहुत होता है और इसको तेज़ कैसे करें। तो चलिए करके दिखाने वाली हूँ, एंड तक बने रहिएगा। इस मशीन की भी कैसी हालत हो रही है ये देखें, कैसे जो है इसमें गंद और तय जमी हुई है। तो अच्छे से क्लीन करके दिखाऊंगी कि कैसे जो है ये चमक जाने वाली है। तो पहले से ही मैं ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आपको जो है अंदाज़ा रहे कि कैसे जो है ये एकदम से शाइनिंग में आ जाएगा और क्लीन हो जाएगा, चमक में जो है ना आ जाने वाली है आज ये चीज़ें हमारी। तो कंडीशन आप पहले से ही देख लें कि कैसी जो है इसकी कंडीशन हो रही है। मैंने डाल दिया है दोनों अपने बॉयल्स में पानी, ये देखें सिर्फ पानी ही मैंने ऐड किया और मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। तो हम अब क्या करने वाले हैं, ये जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि ये किस तरह से जो है ये मैं लिक्विड बनाती हूँ, तो ये लिक्विड ही मैं इसमें जो है डालने वाली हूँ। तो हाफ हाफ ही मैं दोनों में डालूँगी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेगा। तो इसी तरीके से दोनों में ही मैं ऐड कर दूँगी, ये देखें। तो तकरीबन दो दो स्पून के हिसाब से मैं बनाती हूँ तो ये जो है मुझे पूरा हो जाता है। तो सबसे पहले हम डालेंगे, ये देखें कैसी हालत हो रही है आपके सामने ही मैं दिखा रही हूँ कि कैसे इसकी खस्ता हालत हो रही है। तो अभी जो है इसमें डिप कर लेंगे, तो देखें ये इसकी भी ऐसी ही हालत हो रही है, ये देखें अभी जो है मैंने डिप कर लिया और ऐसी चमकदार और ऐसी क्लियर हो जाने वाली है हमारी कि आप देखेंगे कि कहेंगे कि ये वैसी थी नहीं, एकदम से नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं वाइट है अलग डाल दूंगी, ढकने भी इसी में डाल दूंगी इस तरीके से। तो अच्छे से ये डिप हो गया, देखें मैंने मिक्स नहीं किया, तो ऐसे ही मैंने इसको डाल के रख देना है। तो अभी जो है ये देखें इसकी भी कैसी हालत हो रही है, फिर से मैं चेक करा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा रहे कि ये कैसी इसकी खस्ता हालत हो रही है और इसकी भी। तो इसी में ही हम डाल देंगे बड़े बर्तन में, तो इनको भी जो है ना ये देखें कैसी पीली जर्द हो रही है दोनों, तो इनको भी इसी तरीके से इसमें ही डाल देंगे। तो ईजीली जो है ये आ जाएगा इसमें, ये देखें दोनों में ही। तो तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए इसको डिप करके रखूंगी, मैं फिर से आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें कैसी खस्ता हालत हो रही है, कंडीशन इसकी देख लें आप लोग। तो देखें फिर मैंने थोड़ा सा लिक्विड ले लिया था और मैंने इसको जो है ना थोड़ी सी देर लगा के फिर से फोम की मदद से इसको लगा के हमने थोड़ी देर रख देना है। तो याद रहे कि ये जो है हमने
थोड़ा कम कम लगाना है क्योंकि बिजली की चीज़ है, तो इसको जो है एहतियात से आपने करना है। तो इसको भी उसी तरीके से 10 मिनट के लिए लगा के हमने छोड़ देना है। तो तार को भी अच्छे से लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि तार भी हमारी चमक जाए। तो चमकाने का जो है ना, चीज़ों को दिखाने का मकसद और बताने का मकसद ये होता है कि हर एक चीज़ को कैसे जो है क्लियरली साफ कर सके। देखिए कैसी खस्ता हालत हो रही है इसकी भी, तो अच्छे से लगा के इसको छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो गए, देखें तो अभी जो है देखें अच्छे तरह से जो है ये फूल गया है। और देखें अभी से जो है ये आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर जो है ये इसने मैल निकाली और शाइनिंग देखें, अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं रगड़ा और देखें कैसे जो है ये क्लियरली चमक आ चुकी है। ये देखें, ये देखें, टच भी नहीं किया मैंने, सिर्फ डीप करके इसमें छोड़ दिया था और आपके सामने ही जो है ना इसका रिजल्ट है किस कदर जो है ये शाइनिंग में आ चुकी है। तो देखें अभी जो है इसको रगड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, देखें क्लियर ही बिल्कुल क्लियर हो चुका है अपने आप ही, इसने जो है ना मैल छोड़ दिए। तो ये चीज़ें जो है बहुत इजी और आराम से जो है हमारे घर में जो है साफ हो सकती हैं, जो कि हम इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, हम बहुत पैसों से लेकर आते हैं इन चीज़ों को और हम जो है इनको क्लियर ही साफ करके नहीं रख सकते। तो कोशिश ये किया करें कि अच्छे से जो है ना इनको मेंटेन करके रखें, ताकि आपका जो है ना पैसे भी बचे और आपकी चीज़ भी जो है सेफ रहे। तो देखें क्लियर ही मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे इसने ज़रा सा मैंने रगड़ा और देखें कैसे शाइनिंग आ चुकी है। तो इसको जो है हम साइड पे रखते जाएंगे, रगड़ते जाएंगे और ईजिली जो है इसको साइड पर रखते जाएंगे। तो देखें मैं आपको खुद ही दिखा रही हूँ कि साफ सामने सामने से ही क्लियर ही दिखा रही हूँ कि ताकि आपको आसानी रहे करने के लिए। तो कैसे थी और अभी से देखें मैं बिल्कुल भी मैंने रगड़ा नहीं और देखें कैसे शाइनिंग में आ चुकी है। ये देखें इजीली, बहुत इजी है इसको प्लेट जो है साफ करके रखना। ये देखें अच्छे से जो है ये हो गया। और ब्रश तो हर घर में मौजूद होता है, टूथपेस्ट का जो है पुराने हैं तो उनको फेंका नहीं करें, इस तरीके से जो है ना काम में आ जाते हैं। तो देखें इस तरीके से कर लेंगे और बहुत इजी है इसको करना और इसको तेज करना तो बहुत ही और इजी है। तो देखें तो आपके सामने मैं जो है ना पूरा करके दिखा रही हूँ कि कैसे जो है ये हमारी मशीन जो है क्लियरली साफ हो जाएगी। अभी जो है ना ये देखें किस कदर गंदा है और देखें कैसे हो रही है साफ। ये देखें, ये देखें, ये देखें कैसे जो है ये साफ हो गई है। ये देखें आपके सामने मैंने रगड़ा और कैसे ये क्लियरली इसने जो है अपना गंद निकाल लिया। अभी अंदर से भी रगड़ लेंगे, देखें देखें आपके सामने देखें कैसे इसने जो है गंद निकाला है। देखें ये देखें किस कदर इसने गंद निकाला है और शाइनिंग देखें किस कदर जो है इसमें आ चुकी है। अभी देखें इनकी बारी है, तो कैप ले लेंगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, मैं फिर से बोल रही हूँ और देखें शाइनिंग देखें, रगड़ा भी नहीं है और देखें कैसे जो है इसकी शाइनिंग आ चुकी है। अच्छे से फोम की मदद से रगड़ लेंगे क्योंकि इस पर जो है ना आप ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से देखें कैसे इसकी पहले कंडीशन थी और अभी देखें, और मैंने हाथ भी नहीं लगाया और इसकी हालत अभी कैसे बेस्ट हो गई है, कैसे शाइनिंग मार रहा है। ये देखें, ये देखें अच्छे से रगड़ लेंगे इसको भी। अभी देखें कैसे ये शाइनिंग में आ चुकी है। तो ये प्रोसेस जो है ना बहुत ही बेस्ट है, ये बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का तो आप शेयर कर दिया करें आगे, ताकि और बहनें भी जो है इसका फ़ायदा उठा सके, जिनको किचन संभालना होता है ना तो वो जो है ऐसी चीज़ें ज़रूर देखती है। तो इस तरीके से आप कर लें, ये देखें ईजी है इसको क्लियरली जो है ना मेंटेन करके रखना और साफ करना। ये देखें क्लियर ही साफ हो गया। अभी देखें मैं जो है साफ करके आपको दिखाती हूँ, वॉश करके। ये देखें
किस कदर शाइनिंग में आ चुकी है। ये देखें, मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि ये कैसे शाइनिंग में आ चुकी है, कैसे शाइनिंग में आ चुकी है। घर में प्रोडक्ट बनाया और देखें कैसे जो है इसका रिजल्ट आया है। ये देखें अंदर से कैसे साफ हो चुका है। देखें कैसे था हमारा पहले और अभी देखें कैसे है। ये देखें झक्का भी हमारा कैसे खस्ता हालत थी उस वक्त और अभी देखें। देखें एक एक चीज जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे जो है ये कैसे शाइनिंग में आ चुकी है और वाइटनेस कैसे आ चुकी है इसमें। प्योर वाइट हो चुका है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने नया ही लिया है। देखें अभी जो है देखें आपको भी धो लूंगे। तो देखें कैसे पीला थी बिल्कुल और अभी देखें कैसे प्योर वाइट हो चुकी है। ये देखें जरा सा भी इसमें पिलाहट बिल्कुल ही नहीं रही है, बिल्कुल ही इसके अंदर पिलाहट खत्म हो चुकी है, कैसे क्लियर हो चुका है। ये देखें, ये देखें अंदर से भी देखें कैसे शाइनिंग आ चुकी है। तो अभी जो है ब्लेंडर की बारी है। देखें कैसे जो है ये अभी देखें, मैंने बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ इसमें जो है ना मैंने सिर्फ अपना मैक्स लगा के इसको छोड़ दिया था। अभी जो है देखें आपके सामने ही मैं रगड़ रही हूँ, आगे से पीछे से पूरा ही मैं आपको क्लियर ही करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखें कैसे क्लियर हो चुकी है। ये देखें शाइनिंग किस कदर जो है ना छोड़िए कोना कोना, ये देखें कैसे शाइनिंग मार रहा है। ये देखें ऊपर से नीचे से आगे से हर जगह से जो है ना ये क्लियर हो चुकी है। तो देखें अब रही तार की बात, तो देखें तार भी कैसे साफ हो चुकी है। तो पहले ऐसी थी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, अभी देखें कैसे साफ हो चुकी। तो अभी ले लिया है हमने नमक। आप सोच रहे होंगे कि नमक क्यों ले लिया। नमक का ही इसमें मेन प्रोसेस है कि हम जो है कीमा पीसते हैं, इसमें जो कीमा जो है ना हमारा मशीन जो है अक्सर डल पड़ जाती है, तो इसकी जो धारियाँ होती हैं तेज़ी होती है वो जो है ना स्लो पड़ जाती है। तो इसको कैसे तेज़ करना है, कैसे जो है ना इसकी धारियों को जो है ना बेस्ट करना है। तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो है ना हमें चीज़ें मिल होती हैं हमारी, ये तो इनको कैसे मेंटेन करके रखना और इसको जो है तेज़ कैसे करना है आप उन्हें खुद घर में, तो बताती हूँ कि किस तरह से जो है ना आप इन सारी छुरियों को जो है ना तेज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ले लेंगे हम कीमे वाली इस तरीके से और जो है ना, तो 3 से 4 स्पून हमने इसमें डालना है नमक, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना हो कि हमारी जो छुरियाँ हैं इसमें डिप हो जाएं, बस इतना ही हमने इसमें नमक डालना है। तो देखें मैंने कितना डाला, ये छुरियाँ जो है हमारी सिर्फ इसमें डिप हो गई हैं। तो देखें चला लेंगे, ये देखें, तो देखें कैसे जो है ये तेज़ हो चुकी हैं, बिल्कुल बेस्ट हो चुकी हैं। मैं नीचे से भी आपको चेक करा देती हूँ, देखें किस कदर जो है ये तेज़ हो चुकी हैं। अभी जो है आप कोई भी काम कर सकते हैं इसमें, कोई भी चीज़ इसमें ग्राइंड कर सकते हैं और इजीली जो है ये ग्राइंड कर लेगा, 1 सेकेंड में जो है ये ग्राइंड कर लेता है। तो देखें किस कदर जो है ना तेज़ हो गई है और जग भी देखें हमारी हर चीज़ क्लियर हो गई है। तो देखें हमारा काम तो हो जाता है लेकिन हमारी तार जो है ना इस तरह से बिखरी पड़ी रहती है, तो अभी इसको जो है ना हम मेंटेन कैसे करें। तो आपने इस तरीके से छोटी छोटी जो है ना इस तरीके से कर लेना है, फोल्ड कर लेना है छोटी स्टेप में इस तरीके से, और आपका काम जो है ना बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी के साथ जो है ना हो जाने वाला है। तो आपने क्या करना है, एक रबड़ बैंड लेना है और इजीली जो है ये आपकी देखें जो है ना सिमट गई। देखें अब जो है ये तंग नहीं करेगी, कहीं पे भी उठाएंगे तो तार जो है नीचे तक लटकेगी नहीं और आपका काम भी हो गया। अभी जो है देखें इसको तेज़ करने का तरीका जो है ना बहुत ही आसान है और हमें जो है ना घर में पता ही नहीं होता कि ये जो है जब डल पड़ जाता है तो हम इसको जो है कैसे तेज़ करें। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको भी तेज़ करने का। तो आप ले लें नया स्पंज, ले लें आप इस तरीके से, इसके लिए जो है आप अलग से भी बना के रख लें आपको जब तंग करे। तो आपने क्या करना है,
इस तरीके से ऊपर की तरफ इसको इस तरीके से करना है और ज़ोर से करना है, बहुत ही ज़ोर से, ताकि ये जो है और शार्प हो जाए। और देखिए घिसते घिसते ये शाइनिंग में भी आ जाएगा और हमारा जो है ना काम भी हो जाएगा इस तरीके से। तो देखें उंगलियों की मदद से आपने करना है, देखें जैसे मैं ये कर रही हूँ इस तरीके से आप करेंगे तो आपका इजीली जो है फटाफट से जो है ये तेज़ हो जाएगा। तो फ़र्क अभी आपको खुद ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो इसी तरीके से हमने सारों को जो है ना स्टेप बाई स्टेप करते जाना है और ये बहुत तेज़ हो जाता है, आप उसी वक्त कीजिए और फटाफट जो है आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा ही कर लेंगे। तो देखिए कितना जो है ना इजी है इसको तेज करना। तो ये जो है देखिए ऊपर नीचे हैं, तो आपने क्या करना है इस तरीके से, पहले नीचे वाले है इस तरीके से कर लीजिए इस ऐसे, फिर ऊपर वाले को इस तरीके से कर लीजिए। देखिए कितना इजी है इसको तेज करना। और यकीन करें आप खुद घर में करके देखिएगा, फिर आपको अपने आप ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है कैसे तेज़ हो गई है। ये देखिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ये टोटका करके कैसे लगा। पूरा ही हमारा देखें इतना तेज़ हो गया कि हमारा अब जो है इजीली जो है ये हमारा काम फटाफट से कर लेगा। कद्दू कश करना हो, गाजर कश करना हो, या पोटैटो कश करना हो, कुछ भी कश करना हो, खोपरा कश करना हो, तो ये जो है ईजी से ये कर लेगा।